हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं BHU सुपर एक्सप्रेस क्लास का पार्ट टू। इससे पहले हम पार्ट टू फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें 90 MCQ करवाए थे। जो 90 MCQ करवाए ना, वो MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे थे। इसके बाद जो आज करेंगे हम 90 MCQ, इससे मिलाकर टोटल 180 MCQ हो जाएंगे। इसके बाद दो क्लासे हो रहे हैं, उन क्लासों को भी आप सभी लोग अटेंड करना, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। टोटल 4 क्लासे होगी। इन 4 क्लासों में से आपके 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे कैसे आपको BHU BSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लास लंबी होगी तो सभी एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो को, क्लास को सभी लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करके उनको जरूर बताना कि वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है। इस पर BHU सुपर एक्सप्रेस क्लास के नाम से हमारी क्लासेस चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। और दूसरी बात दोस्तों, जिसने भी जो एंट्रेंस जो टेस्ट होता है 7 बजे वाला बायोलॉजी का, जिसमें 50 MCQ करवाए जाते हैं, वो जिसने भी अभी तक अटेंड नहीं किया है तो उसको भी सभी लोग देख लेना। उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आज करवाए गए हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और बहुत अच्छे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है, तो सभी लोग उनको ज़रूर देख लेना। और दोस्तों, इन क्वेश्चनों की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके भी इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हो, ताकि आप उनको दोबारा सॉल्व करो तो आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। PDF से आप सॉल्व कर लो और जब सॉल्व करने के बाद आंसर चेक करो तो आप वीडियो देखकर आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका है जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती? यह पादप और जंतु में रोगजनक और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं, यानी कि विच अमोंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नावन विदाउट अ डिफाइंड सेल वॉल प्रोटोजेनिक और टू प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड कैन बी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि कौन सी कोशिका है, उसका राइट आंसर बता, कौन सी सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका है। आपके लिए दे रखा है बेसिलस, सूडोमोनास और माइकोप्लाज्मा और नोस्टोक। तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर, सभी को कमेंट करके जल्दी से इसका राइट आंसर सभी कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? बेसिलस, सूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा में से। तो दोस्तों, ये NCERT की लाइन है डायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। ठीक है, टोटल 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपने यदि 360 क्वेश्चन कर लेना तो समझ लेना कि आपके 20 से 25 क्वेश्चन बायोलॉजी में बिल्कुल राइट होंगे, एक भी गलत नहीं होगा। 20 से 25 क्वेश्चन आपके, यदि मान लो BHU में नहीं आते हैं ये क्वेश्चन, तो RHS में तो आएंगे सही, क्योंकि BHU और BHU में भी आएंगे। यार, BHU में क्यों नहीं आएंगे, RHS में भी आएंगे और BHU में भी आएंगे ये क्वेश्चन। तो जिस 360 क्वेश्चनों को सभी कंटेस्ट कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस है ना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्र विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही अनुक्रम दर्शाता है? तो बताइए आप दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्र विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही अनुक्रम दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संगणन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, कुणसूत्र बिंदु का विभाजन और पृथक्करण और अंत्यावस्था, यानी कि सबसे पहले होगा कंडक्शन, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंज एट इक्वेटर और सेंट्रोमर डिवीजन और लास्ट में सेरिगेशन होगा और फिर लास्ट में टीलोफेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, किसके लिए? माइटोसिस के लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम्स? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सभी को बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम? और दोस्तों, जिसने
फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की क्लास अटेंड नहीं किए तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि उन क्लासों को भी आप सभी ज़रूर अटेंड कर लेना, क्योंकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो। आपके लिए इस चैनल पर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल और फार्मेसी की फुल तैयारी करवाई जा रही है। ऐसी तैयारी अभी तक यूट्यूब में पहली बार हो रही है दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखना। यूट्यूब में आपको इतनी अच्छी तैयारी से किसी भी चैनल पर नहीं कर रही, पहली बार यूट्यूब पर इतनी अच्छी तरीके से तैयारी हो रही है, तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को भी इस बारे में इन्फॉर्म जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। होलो एंजाइम एपो एंजाइम और सह एंजाइम, यानी कि एपो एंजाइम और को एंजाइम का होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, DNA प्रतिकृतियन के दौरान ओकोजांकी खंड किसको बढ़ाते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द DNA रेप्लिकेशन ओकोजांकी फ्रेगमेंट आर यूज टू एलोंगेट, यानी कि DNA प्रतिकृतियन के दौरान ओकोजांकी खंड किसको बढ़ाते हैं, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। सभी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सभी कमेंट करके जरूर बताना, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कमेंट करो। ओकोजांकी फ्रेगमेंट यूज एलोंगेटेड, यानी कि ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन ओकोजांकी फ्रेगमेंट आर यूज टू एलोंगेट, तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द लार्जेस्ट स्टैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर प्रोक, यानी कि प्रतिकृति द्विशाख से परे पश्चिगामी स्ट्रांड को, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में बहुलकी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉलीमेरिक, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से बहुलकी नहीं है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बता दो कि निम्नलिखित में से बहुलकी नहीं है, तो जल्दी से बताओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, निम्नलिखित में से कौन बहुलकी नहीं है, तो जल्दी बताओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, यदि आप पूरी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, 4 क्लासें होगी, 4 क्लासें का मतलब आपकी पूरे साल की पढ़ाई 4 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगी। 4 क्लास 360 क्वेश्चन है बायोलॉजी के, 360 में से 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये कन्फर्म बात है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कौन सा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, लिपिड्स, यानी कि जो लिपिड होता है ये बहुलकी पॉलीमेरिक नहीं है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल भी पॉलीमेरिक है, प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड ये तीनों पॉलीमेरिक है लेकिन लिपिड पॉलीमेरिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप सब कमेंट कर रहे थे कल के वीडियो में, आप सबने कमेंट किया बोला कि सर ये नीट के क्वेश्चन है, नीट के, हाँ दोस्तों उनमें नीट के क्वेश्चन मिक्स थे, क्योंकि नीट के क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन मिक्स है जो आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आने लायक थे, और आज के 90 क्वेश्चन में भी नीट के क्वेश्चन मिक्स हैं और वही क्वेश्चन है जो आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहे, तो आप टेंशन मत लो, नीट के हो चाहे कोई भी हो, आपको तो एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन मिलने से काम है और कोई काम नहीं है ना, तो बस आपको तो एग्जाम से मतलब है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते ये बात देखनी है ना आपको, तो एग्जाम पता लग जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं अब, तो आप टेंशन मत लो, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यदि 20 भी नहीं मिले ना, 15 तो मिलेंगे सही यार, 20 नहीं तो 15 तो मिलेंगे 360 में से, यदि 15 मिल जाते ना, 15 भी नहीं मिलेंगे तब बोलना आप, तो 15 तो कम से कम मिलेंगे ही सही। ठीक है, मैं तो 20 की बोल रहा हूँ वैसे तो, लेकिन 15 तो आपके मिल कर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो कानूनी रूप में संरक्षित हैं और जहां मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती वह क्या कहलाता है, यानी कि द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्ट एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड इज नाउन एज, यानी कि इसको बताना है आपको, जहां मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं है वह क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सभी को बताना है, कौन सा क्षेत्र कहलाता है जैव संरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित है और जहां मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती वह क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सभी कमेंट करके जल्दी से बता दो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कमेंट करके बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बता दो दोस्तों। बताओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्रोड क्षेत्र यानी कि कोर जोन होता है, क्या कहलाता है, कोर जोन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
7. एक लिंगाश्री पुष्प पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? डायोकोसियस फ्लोर प्लांट प्रिवेंट बोथ, यानी कि एक लिंगाश्री पादप निम्न में से किन दोनों को रोकते हैं? तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कमेंट करके। एक लिंगाश्री पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? तो बताइए दोस्तों, जल्दी से बताओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बता दो, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी, यानी कि स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण को रोकते हैं कौन? एक लिंगाश्री पादप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी है, यानी कि अ टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ। तो बताइए दोस्तों, अस्थायी ग्रंथि कौन सी, अंतःस्रावी अस्थायी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्पस ल्यूटियम, पित्त पिंडक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पित्तक पिंड। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, फेवरेट क्वेश्चन आ गया आप सभी का दोस्तों, कॉलम वाला, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, तो इनको मिलान करना है आपको, तो मिलान सही से करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सभी मिलान करके जल्दी से बता दो, कौन सा बिल्कुल राइट है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताओ, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 में, सभी जल्दी से कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ? जो सुजाक है ना, गोनोरिया, गोनोरिया किससे संबंधित है? तो गोनोरिया नाइजीरिया से संबंधित है, यानी कि सुजाक नाइजीरिया से होता है। सिप्लिस क्या है? सिप्लिस है, सिप्लाइस किसे होता है? ये होता है ट्रेपोनीमा से, सिप्लिस ट्रेपोनीमा, जेनाइटल वर्ट, यानी कि जननिक मस्य किससे होते हैं? जननिक मस्य होते हैं दोस्तों ह्यूमन पेपिलोमा विषाणु, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और एड्स किससे होता है? आप सब लोग जानते हो कि HIV से होता है, HIV वायरस से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सुजाक होता है आपका नाइजीरिया से, सिप्लिस होता है ट्रेपोनीमा से, जनन मस्य होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा विषाणु से, और एड्स होता है HIV से। तो इस बात को याद रखना, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सभी क्वेश्चनों को भी आप सब लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तकों व अंगों का प्रतिरोपण अधिकतर रोगी के शरीर द्वारा अस्वीकृति के कारण असफल हो रहा है, इस प्रकार के निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्तरदायी, यानी कि ट्रांसलेशन ऑफ टिश्यू ऑफ ऑर्गन ऑफ फेल्स ऑफ डन ड्यूरिंग और टू नॉन एक्सेप्टेंसन बाय द पेशेंट बॉडी, विच टाइप ऑफ ह्यूमन रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस रिजेक्शन? तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है, निराकरण के लिए उसको रिजेक्ट करने के लिए कौन सी प्रतिरक्षा उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कमेंट करके बताओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, कौन सा जल्दी से बता दो, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेल मीडिएट ह्यूमन रेस्पॉन्स, यानी कि कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संबंध काय किसकी कोशिका में नहीं पाए जाते, यानी कि स्पेलिसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल ऑफ, यानी कि संबंधन काय किसकी कोशिका में नहीं पाए जाते? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ दोस्तों। जो इन क्लासों को अटेंड करेगा वो बहुत फायदे में रहेगा, बहुत अच्छा, उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन उनको डायरेक्ट ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे, बहुत कम तैयारी के भी वो सिलेक्शन ले जाएंगे जिन्होंने क्लासें अटेंड कर ली, समझो जिन्होंने ये क्लासें अटेंड कर ली ना समझ लो कि वो बिना पढ़े ही पास हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, संबंधन काय किस
कोशिका में नहीं पाया जाता। तो किसम नंबर 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, बैक्टीरिया में संबंधन काई नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया नॉट फाउंड स्पेसिमेन सोम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निभई शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, निभई शैवाल का उदाहरण कौन सा है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वोल्वॉक्स। निभई शैवाल का एक उदाहरण है कौन, वोल्वॉक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन घोड़े का गण दर्शाता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ हॉर्स, घोड़े का गण कौन दर्शाता है, एक्विडी, पेरिसोडेक्टाइल, कबेलस, पेरस। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है जल्दी से। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपके ये क्वेश्चन बहुत काम आएंगे, यदि आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको सब पता लगेगा। ठीक है, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को सभी लाइक कर दो, क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दो। जो भी आपके रिलेटिव या कोई भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है, पैरामेडिकल का, फार्मेसी का, किसी का भी, सबको इस चैनल के बारे में भी बताओ दोस्तों कि यहाँ कितना अच्छा क्लास से लग रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल राइट हो जाएगा, पेरिसोडेक्टाइल घोड़े का गण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इन रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फ्रॉम एटीपी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपके लिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो जल्दी से। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सूत्रकणिका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है जो एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15, बाजार में बेचने से पहले अभिव्यक्ति प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इन इज कॉल्ड। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, क्या कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ कि बाजार में बेचने से पहले अभिव्यक्ति प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि अनुप्रवाह अनुपरक्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुप्रवाह परक्रमण। अगला क्वेश्चन नंबर 16, कवक मूल किसके उदाहरण है, यानी कि माइकोराइजा आर द एग्जांपल ऑफ। तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, कवक मूल किसके उदाहरण है, माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ किसके उदाहरण है। तो बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, जो माइकोराइजा है वो किसके उदाहरण एग्जाम्पल है। दोस्तों सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स में अटेंड कर देना। और दोस्तों दूसरी बात, यदि आपके भी क्लास में या नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप सुबह भी देख सकते हो उस क्लास को, ये क्लास आपके लिए अवेलेबल रहेगी, आप इसी को किसी भी टाइम देख सकते हो, क्योंकि ये क्लास तो आप यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद हमेशा के लिए इसी पर अवेलेबल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, सपरोपकारिता, यानी कि म्यूटिलिज्म। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वायरॉइड विषाणु से भिन्न है क्योंकि इसमें वायरॉइड डिफरेंट फ्रॉम वायरस इन हैविंग। तो बताइए दोस्तों वायरॉइड विषाणु से भिन्न है क्योंकि इनमें क्या होता है वायरॉइड में, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बता दो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। तो वायरॉइड विषाणु से भिन्न है क्योंकि इनमें बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं, यानी कि आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होते हैं? तो आपको बताना है रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, मूल रोम किस क्षेत्र से डेवलप होते हैं? तो आपको बताना है जो मूल रोम होते हैं वो किस क्षेत्र से विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर कमेंट करके बता दो। दोस्तों मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होते हैं जल्दी से बताओ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, परिपक्वन यानी कि मैच्योरेशन, मैच्योरेशन क्षेत्र से मूल रोम विकसित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नारियल का फल किस प्रकार का है? तो आपको बताना है कोकोनट फ्रूट इज अ, तो नारियल का फल किस प्रकार का है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ कि नारियल का फल किस प्रकार का है, अशिष्ट फल, सरस फल, दृढ़ फल या संपूट फल? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दो दोस्तों। और दोस्तों टेंशन मत लो, आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाना हमारी जिम्मेदारी है, और एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे द्वारा करवाए गए क्वेश्चनों में से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस बात की भी आप टेंशन मत लो, यदि आपने क्लास रेगुलर ली होगी स्टार्टिंग से एंड तक, जब से क्लास स्टार्ट हुई है इस चैनल पर आपने जब से स्टार्टिंग से एंड तक ली होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप PHU BSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम ऐसे ही क्लियर कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, अशिष्ट फल यानी कि ड्रूप फल, कोकोनट फ्रूट ड्रूप फल है यानी कि अशिष्ट फल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विशिष्ट यानी कि प्लांट विच प्रोड्यूस, सॉरी, प्लांट विच प्रोड्यूस करेक्टरिस्टिक न्यूमेटोपोर ऑफ सो विविपेरी बिलोंग, यानी कि विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाले सजीव परजत्ता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित से किससे संबंधित हैं? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन शायद जो आपका उत्तराखंड BSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन लग रहा है मैंने को, क्योंकि वो पेपर सॉल्व करवाया था तो क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाले सजीव परजता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लवणमर्दोद्भिद यानी कि हेलोफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ द थ्री टेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि निम्नलिखित से कौन सा संकटमय प्राणियों पौधों को के बाएं स्थानीय संरक्षण से संबंधित है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, निम्न में से कौन संकटमय प्राणी व पौधों के बाएं स्थानीय संरक्षण से संबंधित हैं? तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सभी कमेंट करके जल्दी से बता दो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को, सॉरी, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में एक बार शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो आप सब्सक्राइब तो करो यार, सब्सक्राइब करना आपका काम है, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ताकि आपको जब भी नई क्लास आएगी, नई क्लास या कोई नया नोटिफिकेशन सब आएगा तो उसकी सबकी जानकारी आपको टाइम से मिल जाएगी। नहीं तो आप ऐसे तो उसको भूल जाओ, उसका टाइम का पता नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, बेल आइकन जरूर ऑन करके रखा करो। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, वन्य जीव, वन्य प्राणी सफारी यानी कि विल्ड लाइफ सफारी पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में बेमेल को चुनिए, सेलेक्ट द मिसमैच। तो बेमेल को चुनना है आपको पाइनस, साइकस, साल्विया और इक्विसिटम। तो आपको ले दे रखे हैं इनमें से कौन सा असत्य मिसमैच है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा असत्य है? तो जल्दी से कमेंट करके बता दो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, जल्दी से इसका राइट आंसर आप कमेंट करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाइनस एक लिंगसरी। तो ये पाइनस एक लिंगसरी नहीं होता दोस्तों, ये बेमेल है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेमेल हो जाएगा। अब आपको याद क्या रखना है, साइकस है ना, साइकस दोस्तों हमेशा एक लिंगसरी होता है, यानी कि
डियोसियस, ठीक है। साइकस एकलिंगा श्री होता है। साल्विनिया, जो साल्विनिया है यह विषम बीजाणु पाया जाता है, इसमें कैसा होता है, हेट्रोस्पोरस, ठीक है। और इक्विसिटम सम बीजाणु यानी होमोस्पोरस होता है इक्विसिटम। तो दोस्तों इक्विसिटम की याद रखना, होमोस्पोरस, साल्विनिया, हेट्रोस्पोरस और साइकस डेसिडियस यानी कि एक लिंगाश्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यह गलत मिला है आपने। अगला क्वेश्चन नंबर 23, रंध्र छिद्र के खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी ओपनिंग ऑफ द स्टोमल अपरेटस, यानी कि रंध्र छिद्र के खुलने में निम्न में से क्या सहायता करती हैं। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। सभी को जल्दी से कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर कमेंट कर दो जल्दी से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज और सूक्ष्म तंतुकी की त्रिज्या विन्यास, यानी कि रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल इन द सेल ऑल ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, स्टोन H1 को केंद्रिकाभ के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है, यानी कि द एसोसिएशन ऑफ स्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर कमेंट करके बता दो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डीएनए क्रोमेटिन रेशो में संघनित होता है, यानी कि डीएनए आर कंसिडर इन टू द क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, डीएनए खंड कैसे होते हैं। तो आपको बताना है जो डीएनए खंड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है, पॉजिटिवली चार्ज होता है डीएनए पर, नेगेटिवली होता है या नेचुरल होता है, या आइदर पॉजिटिवली या नेगेटिव चार्जड डिपेंडिंग ऑन दियर साइज। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सभी कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कमेंट करो। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कमेंट कर दो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं कौन, डीएनए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26, समतायन कहाँ होता है, यानी कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है, आपको बताना है कैपेसिटेशन ओकोर इन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ कि समतायन कहाँ पर होता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर कमेंट कर दो, समतायन कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर कमेंट करके बताओ जल्दी से, समतायन कहाँ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मादा जनन क्षेत्र में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट में समतायन यानी कैपेसिटेशन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, किस पारितंत्र में अधिकतम जीवभार होता है, यानी कि विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपको बताना है, किस पारितंत्र में अधिकतम जीवभार होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर सभी बताओ जल्दी से, किस पारितंत्र में अधिकतम जीवभार होता है। जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, यदि आप इस क्लास को एंड तक बने रहते हो इस क्लास में, तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आप इस क्लास को ज़रूर अटेंड करोगे और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़रूर इस क्लास के बारे में बताओगे। दो दिन बचे हुए, दो दिन में आपके पास जितने भी फ्रेंड्स हैं जो BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, BHU फार्मेसी वगैरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिसमें बायोलॉजी आती है BHU के एंट्रेंस एग्जाम में वो देना चाहते हैं, RHS का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी के लिए इस वीडियो को फैला दो, उन सभी को इस वीडियो के बारे में बता दो। जो आपके साथ कहीं कोचिंग में या कई स्कूलों में पढ़े हुए हैं उन सब स्टूडेंट्स को इस वीडियो, इस चैनल के बारे में, इन वीडियो के बारे में बता दो कि इतने क्लासेस कैसी हो रही है, बता दो दोस्तों, ताकि वो भी, उनको भी पता लग जाए, उनका भी कुछ प्रॉफिट हो जाए अब लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वन पारितंत्र यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, एक रोग जो अलिंग सूत्र प्राथमिक अविभाजन के कारण होता है कौन सा है, अ डिजीज केज्ड बाय अ ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन
नॉन डिसजंक्शन इज, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। एक रोग जो अलिंग गुणसूत्र अलिंग सूत्र प्राथमिक विभाजन के कारण होता है, तो बताइए कौन सा है वो रोग, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर सभी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डाउन सिंड्रोम, कौन सा है डाउन सिंड्रोम। स्थिति के अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 एक्टोकॉर्पस एंड फ्यूकस के जीवन चक्र क्रमशः कैसे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकॉर्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टली आर, तो आपको बताना है एक्टोकॉर्पस एंड फ्यूकस के जीवन चक्र क्रमशः कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ, जल्दी से बता दो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। तो आप सब लोग जानते हो एक्टोकॉर्पस और फ्यूकस के जीवन चक्र के बारे में, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बता दो इनके जीवन चक्र कैसे है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी से बताओ ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो एक्टोकॉर्पस का जो जीवन चक्र है वो हैप्लोडिप्लोटिक यानी कि अगुणित द्विगुणित होता है, जबकि फ्यूकस का कौन सा होता है, फ्यूकस का दोस्तों इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी 7 बजे वाली उसमें मैंने फ्यूकस जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में बीजाणुद्भिद के बारे में बताया था, तो वो कौन सा था द्विगुणित यानी कि डिप्लोटिक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है, हैप्लोडिप्लोटिक एंड डिप्लोटिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 यदि एक आरएनए में 999 सारक हैं जो ट्रिपल एमिनो अम्लों वाले एक प्रोटीन के कूट करते हैं और 901 पर स्थित सारक वाले सारक वाले इस तरह के से विलोप हो जाता है कि उस आरएनए की लंबाई 998 सारक वाली हो जाती है, इसमें कितने कोडन बदल जाएंगे, तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। देयर आर 99 बेस इन आरएनए दैट कोड फॉर अ प्रोटीन विद 33 एमिनो एसिड एंड द बेस एट द पोजिशन 901 डिले सच दैट द लेंथ ऑफ द आरएनए बिकम्स 998 बेसिस, हाउ मैनी कोडन्स विल बी अल्टरेटिव यानी कितने कोडन बदल जाएंगे, तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर कितने कोडन बदल जाएंगे इसमें, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बता दो दोस्तों, दोस्तों इस चैनल पर जितनी भी क्लासें होती हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन आप लोग उनको लेना पसंद नहीं करते क्योंकि आप सब सोचते हो कि बस ऐसे हो जाएगा सिलेक्शन। आपको क्लासें तो लेनी पड़ेगी, क्लासें लोगे तभी तो आपको मज़ा आएगा, जितनी हो सके उतनी क्लासें लिया करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 33 ठीक है, 33 कोडन बदल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 एटलस और एक्सिस के बीच का जोड़ किस प्रकार का होता है, द पाइवेट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर एटलस और एक्सिस के बीच का जोड़ किस प्रकार का होता है, तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर सभी को बताना है जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा, एटलस एंड एक्सिस के बीच का जोड़ किस प्रकार का होता है, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी से बताओ पहले आप फिर मैं बताऊंगा एटलस और एक्सिस के बीच का जोड़ किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों एटलस और एक्सिस के बीच का जोड़ साइनोवियल जॉइंट जोड़ होता है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, साइनोवियल जॉइंट यानी कि एटलस और एक्सिस के बीच का जोड़ साइनोवियल जॉइंट कहलाता है ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसपोर्ट सेल्स इन नाउनेज, वह एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है उसे क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या कहा जाता है, वह एक जीन जो अभिव्यक्ति रूपांतरण कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है उसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताना जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर सभी बता दो दोस्तों।
वह एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ण्य योग्य चिन्ह यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सुस्पष्ट ऊर्ध्वाधर स्तरों में व्यवस्थित पादपों की अपनी लंबाई के अनुसार उपस्थित सबसे अच्छी कहाँ देखी जा सकती है? यानी कि प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर डिपेंडिंग ऑन दियर हाइट कैन बी सीन बी बीन हेज इन। यानी कि तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? उस सुस्पष्ट ऊर्ध्वाधर स्तरों में व्यवस्थित पादपों की अपनी लंबाई के अनुसार उपस्थित सबसे अच्छी कहाँ देखी जा सकती है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, यदि यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप आई ए आई बी ओ पति का है ये तो और पत्नी का है आई ए आई नो आई स्मॉल आई है तो इसके बच्चों में रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप एवं फिनोटाइप संभव होंगे? तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि द गेमेटोफाइट ऑफ जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ये दे रखा है, अमोंग द ब्लड टाइप दियर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल? तो आपको क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा सभी, इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा, सॉरी 34 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चार जीनोटाइप एंड तीन फिनोटाइप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जायगोटिक मियोसिस इज करैक्टरिस्टिक ऑफ यानी कि युग्मज अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर, युग्मज अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ, युग्मज अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दो, युग्मज अर्धसूत्री विभाजन किसका अभिलक्षण है? जल्दी से क्वेश्चन का राइट आंसर सभी बताओ दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्लेमाइडोमोनास युग्मज अर्धसूत्री विभाजन का विशिष्ट लक्षण होता है इसमें। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन उसके द्वारा उत्पन्न उत्पाद के द्वारा उचित रूप से मेलित है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोड्यूस बाय देम? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका राइट आंसर सभी कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा उचित मिलान है? तो आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो सेक्रोमाइसिस सेरिविसी है इससे एथेनॉल प्राप्त होता है। किसे? सेक्रोमाइस सेरिविसी से एथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 37, मेंढक का हृदय शरीर के बाहर निकालने के पश्चात कुछ समय तक धड़कता रहता है, निम्न में से उचित कथन का चयन किया? यानी कि फ्रॉग हार्ट वैन टेकन आउट द बॉडी कंटिन्यूस टू बीट फॉर सम टाइम? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर सभी को बताना है, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा, सभी को इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताना है। कथन दे रखिए आपके लिए, मेंढक एक असमतापी है, आपको उचित विकल्प यानी कि सत्य कथन बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मेंढक एक तो समतापी है, क्या हुआ मेंढक एक असमतापी है, तो दोस्तों ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। और मेंढक में कोई हृदय प्रसंस्करण नहीं होता, तो दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि मेंढक में हृदय प्रसंस्करण होता है। ठीक है, हृदय पैसेजेनिक प्रकृति का होता है, तो हाँ दोस्तों मेंढक का हृदय पैसेजेनिक प्रकृति का होता है, हार्ट मायोजेनिक नेचर, हार्ट इज अ मायोजेनिक नेचर। ठीक है, और हृदय स्व उत्तेजक होता है यानी कि हार्ट इज ऑटो एक्सिटेबल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, सी एंड डी उचित विकल्प है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38,
क्रेब्स चक्कर के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल। तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर, क्रेब्स चक्कर के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ दोस्तों। दोस्तों इस क्लास में आपको जो 90 क्वेश्चन होंगे ना, इन 90 क्वेश्चन में से भी छः से सात क्वेश्चन आपको डायरेक्ट BHU BSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो आज की क्लास है इसमें से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको जो BHU BSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेंगे। यदि आप क्लास एंड तक पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से रट के जाते हो, देख के जाते हो, उनको समझ के जाते हो तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा तो आप क्या टिक करके आओगे, वहाँ पर गलत आंसर दे के आओगे फिर। तो आप अच्छे से क्लास को जरूर अटेंड करके जाना। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। यह चक्र एसिटाइल समूह यानी कि एसिटाइल को एंजाइम के पायरविक अम्ल के साथ संघनन के आरंभ होता है और सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है, तो यह गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39, इन केस ऑफ पोरीफेरा द स्पॉन्जिसिल इज लाइनड विद फ्लेजिलिनेट सेल कॉल्ड, यानी कि पोरीफेरा में स्पंज गुहा कसाब कोशिका द्वारा आस्थित होती हैं जिन्हें कहते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर, पोरीफेरा में स्पंज गुहा कसाब कोशिका द्वारा आस्थित होती हैं जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, क्या कहते हैं उन्हें, पोरीफेरा में स्पंज गुहा कसाब कोशिकाओं द्वारा आस्थित होती है जिन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कोइनोसाइट। क्या बोला जाता है उनको, कोइनोसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्टली एबडेंट इन एनिमल सेल, यानी कि निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिका में प्रचुरता में होना चाहिए। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर, कौन सा आरएनए प्राणी कोशिका में प्रचुरता में होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए व एमआईआरएनए। तो आपको सभी को कमेंट करके जल्दी से बताना है दोस्तों। और दोस्तों सभी पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उस क्वेश्चन को वहाँ से वीडियो को चलाकर आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो, क्योंकि आंसर के लिए आपको आंसर की अलग से नहीं मिलेगी, वीडियो देखना ही पड़ेगा। आप वीडियो को जब जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आए, आप ऐसा किया करो, कॉपी में साथ के साथ क्वेश्चन नंबर उसके साथ ऐसे लिख लिया करो, आप कॉपी में ऊपर देख लिया, BHU सुपर एक्सप्रेस, उसमें 2-2 लगा के इधर यहाँ लग जा चलता है क्वेश्चन नंबर और यहाँ आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो आंसर है वो यहाँ लिखना, तो का जो है वो यहाँ लिखना, ऐसे आंसर लिख लिया करो ताकि आंसर की भी आपके साथ के साथ बन जाए, पेन कॉपी लेकर बैठा करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आरएनए प्राणी कोशिका में प्रचुरता से होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 41, विच अमोंग दीज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स, यानी कि निम्न में से जले स्तनपायियों का उचित समूह है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर सभी को बताना है, निम्न में से जले स्तनपायियों का उचित समूह है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जले स्तनपायियों का उचित समूह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वेल, डॉल्फिन एंड सील। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 42, विद रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर, कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, C3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादप के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 43, लॉजिस्टिक वर्दी अंतर स्पर्शी कब प्राप्त होगा, जब जब
कि मानसून ने दर अग्रसर हो, यानी कि आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा, लॉजिस्टिक वर्दी में अंत स्पर्श यानी कि सिम्प्टोट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑप्टेन वेन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सभी कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, के इज इक्वल टू एन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स ह्यूमन ओनली वाई पेयर्स एंड ट्रू रिब्स सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्रोवाइड द देयर एक्सप्लेनेशन। यानी कि मानव पसलियों के युग में एक्स युग में से वाई युग में वास्तविक पसलियों के होते हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए जो एक्स एवं वाई की उचित संख्या को दर्शाता है तथा उसका स्पष्टीकरण करता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो। तो पसलियों की संख्या क्या होती है, एक्स युग्म पसलियों के एक्स युग्म में से वाई युग्म वास्तविक पसलें हैं। तो दोस्तों टोटल 12 पसलियाँ होती है, इनमें से वास्तविक पसलियाँ होती है कितनी, 7, और वास्तविक पसलियों पृष्ठ भाग में कचरू दंड और अदर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो वास्तविक पसलियाँ होती हैं वो पृष्ठ भाग में किससे जुड़ी होती हैं और कशेरुक दंड को अदर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एग्रोज जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है, यानी कि द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट ऑन द एग्रोज जेल कैन बी विजुअल्ड बाय आफ्टर स्टैनिंग विद। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर, एग्रोज जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर कमेंट करके बता दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, इथ्रीडियम ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, इथ्रीडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, फंक्शनल मेगा स्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, यानी कि एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर, फंक्शनल मेगा स्पोर इन द एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या उत्पन्न होता है, यानी कि एक आवृतबीजी पादप एंजियोस्पर्म में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है। तो इससे होता है ऑप्शन नंबर 3 भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों पर विचार नहीं किया गया था, अमोंग द फॉलोइंग करेक्टर्स विच ऑन वॉज नॉट कंसिडर बाय द मेंडल इज हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पीच। तो मटर के कौन से लक्षणों पर मेंडल द्वारा विचार नहीं किया गया था, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर, कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा कोई विचार नहीं किया गया था, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर कमेंट कर दो। तो कौन से लक्षणों पर मेंडल द्वारा विचार नहीं किया गया था, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताओ पहले आप फिर मैं बताता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, त्वचा रोम या ग्रंथिल रहित, यानी कि ट्राइकोमस एंड ग्लैंडर और नॉन ग्लैंडुलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिलअप सैक्स द एल्वोलाई दे डू नॉट कोलेपेज इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन बिकॉज ऑफ, यानी कि फेफड़ों से हवा भरे हुए कोश कोशिकाओं के बने होते बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी ये किस कारण से पूर्णतः नहीं सिकुड़ते। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर, फेफड़ों से भरे हुए कोश कोशिका के बने होते हैं बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी ये किस कारण से पूर्णतः नहीं सिकुड़ते। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर, सभी को कमेंट करके बताना है जल्दी से दोस्तों। ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी क्लास होगी, लेकिन आज आपको चार क्लासों के माध्यम से इतना कुछ करवाना बहुत
बड़ी बात है, चार क्लासों में 20 से 25 क्वेश्चन की जिम्मेदारी लेना बहुत ही कठिन बात है, बहुत ही मुश्किल है कि इतने क्वेश्चन मिलना। आप किससे बोलोगे तो ये वो मानेंगे भी नहीं कि हाँ इतने क्वेश्चन भी मिल सकते हैं क्या। तो एक बार आप एग्जाम देकर आओ, फिर उसके बाद बताना कि मिलते हैं या नहीं मिलते। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर भी सब कमेंट, 48 का राइट आंसर सब कमेंट कर दो, क्योंकि अपने इन 360 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन कंपलसरी आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चाहे वो बीएचयू का हो चाहे वो आरएचएस का हो, कोई सा भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवशिष्ट आयतन यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH किस पर कार्य करता है, यानी कि GnRH आर ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर, जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH किस पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी इसका राइट आंसर कमेंट करके बता दो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अगर पीयूष ग्रंथि पर LH और FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है जो GnRH हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, या अगर पीयूष ग्रंथि पर यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर स्टिमुलेटिंग सिक्रेशन एंड LH एंड FSH को करता है, यानी कि LH और FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इन बोगनविलिया थॉर्न आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, यानी कि बोगनविलिया में कांटे किसका रूपांतरण है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर, बोगनविलिया में कांटे किसका रूपांतरण है। तो बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा, अनुपर्ण, अपस्थानिक जड़, तना, पर्ण। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है कि बोगनविलिया में कांटे किसका रूपांतरण है। दोस्तों अभी तो अपने 50 क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो 40 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो बने रहिए एंड तक, आपको मज़ा भी आएगा और अच्छे से क्लास को अटेंड करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेम तना का, बोगनविलिया में कांटे तना का रूपांतरण है इसका दोस्तों, तना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरणों के प्रयोग की थी, यानी कि विच ऑन ऑफ फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फ्रॉम मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर, सभी को इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है, कौन सी अवधि मेंडल के संकरण के प्रयोगों की थी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर, सभी 51 का राइट आंसर सभी कमेंट करके जल्दी से बता दो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1856 से 1863। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, गुड विजन डिपेंड ऑन द एडिक्यूट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड, यानी कि अच्छी दृष्टि कैरोटीन प्रचुर खाद्य पदार्थों के पर्याप्त अंतग्रहण पर निर्भर करती है, निम्न में सर्वाधिक उचित कथन का चयन करना है, यानी कि आपको ले फॉलोइंग द बेस्ट ऑप्शन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बताइए कौन सा बेस्ट स्टेटमेंट है इस कथन के बारे में, अच्छी दृष्टि कैरोटीन प्रचुर खाद्य पदार्थों के पर्याप्त अंतग्रहण पर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में बेस्ट ऑप्शन बताना, सर्वोच्च उचित कथन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, केरोटीन से विटामिन ए के व्युत्पन्न बनते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो केरोटीन होते हैं, विटामिन ए डेरिवेटिव आर द फॉर्मड ऑफ केरोटीन, तो ये बिल्कुल राइट है। प्रकाश वर्णक आंतरिक पिंड आंतरिक खंड की झिल्ली का बिंब में गढ़े होते हैं, तो फोटोपिगमेंट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्कस इन द इनर सेगमेंट। तो ये दोस्तों ये प्रकाश वर्णक से यहाँ कोई संबंध नहीं है, तो ये तो गलत होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो बी तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है रेटिनॉल विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। तो दोस्तों रेटिनॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, तो ये भी बिल्कुल राइट है। रेटिनल सभी दृष्टि प्रकाश वर्णकों का प्रकाश अवशोषी भाग है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए सी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, Which one of the following statement not valid for aerosol, यानी कि aerosol के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्य नहीं है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर, aerosol के विषय में कौन सा कथन मान्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर सभी कमेंट करके जल्दी से बता दो, aerosol के विषय में
विषय में निम्न में से कौन सा कथन मान्य नहीं है। 53 का राइट आंसर सभी को बताना है जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जल्दी बताओ पहले आप, फिर मैं बताता हूँ, एरोसोल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, ये इनके कारण कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, यानी कि दे केज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, रक्त दाब आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा, यानी कि द अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कैच द रिलीज। तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर, रक्त दाब अपॉन आयतन में कमी के कारण किसका विमोचन नहीं होगा। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप बताओ पहले। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एट्रियल नेट्री यूरेटिक कारक, यानी कि एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर में फैक्टर का मोचन नहीं होगा। ठीक है, रिलीज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, होमोजाइगस प्यूरिलाइन इन केटल कैन बी ऑब्टेन बाय, यानी कि पशुओं में शुद्ध वंश क्रम में समयुग्मजी किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर, सभी कमेंट करके जल्दी से बता दो, पशुओं में शुद्ध वंश क्रम में समयुग्मजी किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जल्दी से बताओ दोस्तों किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअली ऑफ सेम ब्रीड, यानी कि एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के संगम द्वारा समयुग्मजी शुद्ध वंश क्रम में समयुग्मजी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार, एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के संगम द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स द राइज टू, यानी कि सवनी यदा सामान्यतः क्या बनाती है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर, सवनी कैम्बियम क्या बनाती है, वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो कि सवनी यदा सामान्यतः क्या बनाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो दोस्तों। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों परेशान मत हो, अभी तो कितने क्वेश्चन बाकी हैं, अभी तो 34 क्वेश्चन और बाकी हैं, उसके बाद आपकी क्लास खत्म होगी। 34 क्वेश्चन का मतलब मान लो आप 20 मिनट तो अभी और क्लास चलेगी, सही 20 मिनट क्लास चलेगी, 20 मिनट में 34 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो ही जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्वितीयक जाइलम, यानी कि सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम सामान्यतः सेकेंडरी जाइलम यानी कि द्वितीयक जाइलम बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा कथन उचित है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर, दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पीडीएफ की लिंक आधे घंटे बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, पीडीएफ आप ही के लिए बनाते हैं और आप ही के लिए पीडीएफ को लाते हैं, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ की आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बता दो अब जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेनले पास की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, यानी कि द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परेबल ऑफ वाटर। तो हेनले पास की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, यानी कि फल और पत्ती के समय पूर्व जड़ने को किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है, फल और पत्ती के समय पूर्वक जड़ने को किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर सभी को बताना है, फल और पत्ती के समय पूर्व जड़ने को किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है। तो बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड। तो इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑक्सिन। ऑक्सिन के उपयोग के द्वारा फल और पत्तियों के समय पूर्व जड़ने को रोका जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। अ बेबी बॉय एज्ड 2 ईयर एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पास थ्रू अ डेंटल चेकअप। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 टीथ विच टीथ वीर एब्सेंट, यानी कि दो वर्ष के शिशु को क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया। वहाँ दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के 20 दांत थे, शिशु के कौन से दांत अनुपस्थित थे। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बता दो इसका राइट आंसर। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर सभी बता दो दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, जल्दी से इसका राइट आंसर सभी बताओ, जल्दी से इसका राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ दोस्तों, कौन से दांत अनुपस्थित थे। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, प्री मोलर। कौन से दांत अनुपस्थित थे, प्री मोलर, अगर चोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक दैट द हेमिकोर्डेटा शेयर विद कोर्डेटा इज, यानी कि हेमिकोर्डेटा कोर्डेटा के साथ कौन सी महत्वपूर्ण विशिष्टता की साझेदारी करते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर, हेमिकोर्डेटा कोर्डेटा के साथ कौन सी महत्वपूर्ण विशिष्टता की साझेदारी करते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर कमेंट करके बता दो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फेरिंग्स विद गिल्स सिल्ट, यानी कि क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी। क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी हेमिकोर्डेटा कोर्डेटा के साथ महत्वपूर्ण विशिष्टता की साझेदारी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ ऑप्टन काउ एल्ड हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट, यानी कि अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम उड़ान क्या दर्शाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर, आर्टिफिशियली सिलेक्शन ऑफ टू ऑप्टेन काउ एल्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट, अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम उड़ान क्या दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मेन ऑफ द करेक्टर इन वन डायरेक्शन, यानी कि दिशात्मक वर्णन क्योंकि यह लक्षण माध्य को एक दिशा में धकेल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग, यानी कि नर मेंढक में शुक्राणु के स्थानांतरण के लिए उचित मार्ग का चयन कीजिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा, नर मेंढक में शुक्राणु के स्थानांतरण के लिए उचित मार्ग का चयन करना है। तो बताइए उचित मार्ग का चयन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो नर मेंढक में शुक्राणु के स्थानांतरण का उचित मार्ग क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्षण शुक्र वाहिकाएँ, वक्र, विडरनाल, मूत्र जनन वाहिनी और अवस्कर, यानी कि टेस्टिस, वासाइप्रेंसिया, किडनी, ब्लैडर केनाल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट और क्या बोला जाता है इसे, कोकिला। ठीक है, क्लोका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नाशय रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा विकल्प ही अग्नाशय रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी से सभी कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लाइपेज, एमाइलेट, ट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64।
पोस्फोइनोल पाइरवेट PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें पोस्फोइनोल पाइरवेट PEP एक प्राथमिक CO2 ग्राही है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर, पोस्फोइनोल पाइरवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक ग्राही है पाइरवेट PEP के लिए, PEP किसमें एक प्राथमिक CO2 ग्राही है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर, PEP किसमें CO2 के लिए प्रथम या प्राइमरी प्राथमिक ग्राही है, CO2 ग्राही है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, C4 प्लांट में, किसमें C4 प्लांट्स में PEP CO2 के लिए प्राथमिक ग्राही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, नारियल के खाने वाले बाग की रूपांतरक रूपात्मक प्रकृति क्या है, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडेबल पार्ट ऑफ कोकोनट। तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर, नारियल के खाने वाले बाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर कमेंट करके बता दो, नारियल के खाने वाले बाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, एंडोस्पर्म क्या भ्रूणपोष नारियल के खाने वाले बाग की रूपात्मक प्रकृति है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC इज अ प्रोटीन डिग्रेशन मैकेनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल्स, इफ APC इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू ऑकर, यानी कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन के सुचारू रूप से होने के लिए आवश्यक प्रोटीन डिग्रेडेशन मनुष्यनरी, यदि मानव कोशिका में APC त्रुटिपूर्ण है तो निम्न में से क्या घटित होगा। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर, सभी को कमेंट करके जल्दी से बता देना है, जल्दी से इसका राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ, 66 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गुणसूत्र पृथक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, MALT कंस्टिट्यूट अबाउट ब्लैंक परसेंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि MALT मानव शरीर में लसिका उत्तक का लगभग कितने प्रतिशत होता है, MALT मानव शरीर में लसिका यानी कि लिम्फोइड टिश्यू का कितना प्रतिशत होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर सभी कमेंट करो। और दोस्तों जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और एक बार सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो क्लास को। ठीक है, वैसे 10:10 से ऊपर हो गई है, अब 10:10 होने पाए हैं, 10:30 तक से पहले आपकी क्लास खत्म हो जाएगी दोस्तों, टेंशन मत लो। अब लास्ट बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए, 22 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 50%। ठीक है, कितना 50%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, रिसेप्टर साइट ऑफ न्यूट्रो ट्रांसमीटर आर प्रजेंट ऑन, तो तंत्रिकी पेशियों के ग्रह स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं, तंत्रिका पेशियों के ग्रह स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर सभी को बताना है दोस्तों। आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और बहुत काम आएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये तो नीट के क्वेश्चन है, तो नीट के क्वेश्चन हैं दोस्तों, मैं मान रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ नीट के क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बाहर से भी नीट के अलावा अन्य जगह से मैंने क्वेश्चन उठा रखे हैं, नीट के भी शामिल हैं, पिछले साल के क्वेश्चन भी शामिल है, सारे तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें मिक्स करके लाया हूँ आपके। बस आपको तो एग्ज़ाम में आने से मतलब है ना, नीट के हो किसी के हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपके तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन राइट होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, इस बात से मतलब है। तो दोस्तों टेंशन मत लो, 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन आपके BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर बता दो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, फोटोसिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी कि पश्च सिनेप्टिक झिल्ले में तंत्रिका पेशियों के ग्रह स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी कि पश्च सिनेप्टिक झिल्ले में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट केज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, यानी कि वयस्कों में वृद्धि हार्मोन का अतिश्रवण उनकी लंबाई नहीं बढ़ाता क्योंकि। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन का अतिश्रवण उनकी लंबाई नहीं बढ़ाता क्योंकि, इसका कारण आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर कमेंट करके बताना है, जल्दी बताओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल राइट हो जाएगा, किशोरावस्था के पश्चात MPPCL प्लेटें बंद हो जाएगी, यानी कि MPPCL प्लेट्स डज
एम्पीपिसियल प्लेट क्लोज आफ्टर एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था के पश्चात एम्पीपिसियल प्लेटें बंद हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ऑन हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया था, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर, सभी कमेंट करके जल्दी से क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सभी बता दो, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी बताओ, पहले आप बता दो फिर मैं बताता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जाति क्षेत्रीय संबंध यानी कि स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, मालियन आच्छद किसके द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि माइलन आच्छेद किसके द्वारा उत्पन्न होती है, माइलन सीथ आर प्रोड्यूस बाय, तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर कमेंट करके बताना है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा, माइलिन आच्छिद किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइटस, यानी कि स्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइटस के द्वारा माइलिन आच्छद उत्पन्न होती है, क्या होती है, माइलिन आच्छद यानी कि माइलिन सीथ प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा, स्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोइट्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, इन केस ऑफ द कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर आपको बताना है, कौन सी तकनीक उचित रहेगी, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर सभी बताना जल्दी से कमेंट करके, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बता दो, और दोस्तों जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स में एक बार लास्ट बार वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि अब क्लास भी खत्म होने वाली है, बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन की कृत्रिम वीर्यसेचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल्स, यानी कि निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशेषता प्रदान करता है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर, कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशेषता प्रदान करता है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर सभी बता दो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके, निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ग्लाइकोकैलिक्स, कौन सी ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ओकोर, जीवाणु में डीएनए प्रतिकृतियन होता है, जीवाणु में डीएनए प्रतिकृतियन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ओकोर्स, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा, जीवाणु में डीएनए प्रतिकृतियन होता है तो इस अवस्था के दौरान, केंद्रिका के अंदर, विखंडन से पहले या अनुलेखन के ठीक बाद, ठीक पहले, तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विखंडन से पहले यानी कि प्रियोर ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द फंक्शन ऑफ ओकोर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीएस, यानी कि कॉपर मोचित आईयूडी की में कॉपर आयनों का कार्य होता है, क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर सभी को बताना है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलिटीजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, यानी कि यह शुक्राणु की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं, कौन, कॉपर आयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव द सस्पेंड सॉइल, यानी कि निम्न में से कौन सा वैध मल उपचार में निलंबित हुए टोसों को निकालता है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर, कौन सा निकालता है इनमें से वैध मल उपचार में निलंबित हुए टोसों को निकालता है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर बताओ कौन निकालता है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राथमिक उपचार यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77,
द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, यानी कि शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह शुद्ध जल का जल विभव क्या कितना होता है, तो आपको बताना है शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है। शून्य, शून्य से कम, शून्य से अधिक, परंतु शून्य से कम, सॉरी परंतु शून्य से अधिक, परंतु शून्य से एक से कम और एक से अधिक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शून्य, जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, अंतःकाष्ठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए, यानी कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीटवुड। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर, गलत रॉन्ग कथन बताना है अंतःकाष्ठ के संदर्भ में। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर बताओ दोस्तों, ये कार्बनिक यौगिक जमा हो, इसमें कार्बनिक यौगिक जमा होते हैं। तो दोस्तों अंतःकाष्ठ में कार्बनिक यौगिक जमा होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यह अत्यंत टिकाऊ होती है, ये भी सही है दोस्तों। थर्ड वाला क्या है, जल और खनिजों को चालन कुशलता से कर सकती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि जो अंतःकाष्ठ होती है यह जल व खनिजों का चालन कुशलता से नहीं कर सकती, इसमें अत्यधिक लिग्निन युक्त भित्ति और मर्त तत्व होते हैं। मर्त तत्व होने की वजह से जो अंतःकाष्ठ है यह खनिज व जल का चालन कुशलता से नहीं कर पाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, थैलीसीमिया एवं दात्र कोशिका अरक्ता दोनों ग्लोबुलिन अणु के संश्लेषण की समस्या के कारण होते हैं, उचित कथन का चयन कीजिए। यानी कि थैलीसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर केज्ड ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्वेश्चन नंबर 79 में। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो थैलीसीमिया ग्लोबुलिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि थैलीसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, फ्लावर विच हैव सिंगल ओवल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इन टू इनफ्लोरेसेंस आर यूजली पोलिनेटेड बाई, यानी कि वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं, वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है वे एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दो दोस्तों, क्योंकि अब तो गला भी सूखने लग गया और थोड़ी आवाज़ भी गायब होने लग गई है, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो गई ना, इस वजह से अब गला भी सूखने लग गया यार। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वायु, वाइंड द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सिबिटेड बाय, यानी कि द्वि निषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर सभी को बताना है कि द्वि निषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, उसे जल्दी से आप बता दो पहले, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजों द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रम स्लाइन कंडीशन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, आद्य बैक्टीरिया यानी कि आर्के बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, बेमेल को चुनिए, सेलेक्ट द मिसमैच, तो मिसमैच को बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है, 83 का राइट आंसर क्या होगा, बेमेल को चुनना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे जो रोडो स्पायरलम है वह कवक मूल होता है, यह बेमेल है, यानी कि तो आपको यह याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि फ्रेंकिया एनल्स एनाबिना नाइट्रोजन स्त्री कारक और राइजोबियम एल्फा एल्फा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, जेल विद्युत कण संचलन के दौरान एग रोज जेल पर डीएनए खंडों की गति के लिए कौन सा मापदंड होगा, यानी कि व्हाट इज द सर्टेन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मोमेंट ऑन एग्रोज जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान एग्रोज जेल में डीएनए खंडों की गति के लिए कौन सा मापदंड
कौन सा मापदंड होगा? तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अपेक्षाकृत छोटे माप का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है, ठीक है, यानी कि द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इन मूव्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 85, अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, यानी कि सम्मोक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक हैं? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर सम्मोक और पारितोषिक के लिए आवश्यक होते हैं। तो क्या आवश्यक होते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सम्मोक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि जो अट्रैक्टेंट होते हैं और रिवार्ड्स होते हैं वो किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? वायु परागण, कीट परागण, जल परागण या अनुन्मीलता? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कीट परागण, यानी कि एंटोमोफिली के लिए क्या होते हैं? सम्मोक व पारितोषिक आवश्यक होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है, सॉरी 86 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है कि कौन सा मृत कोशिकाओं का बना होता है। तो जाइला मर्दोत्तक, स्थूल कोणातक, कॉग और पोस्टवाक। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या होगा सभी बता दो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कॉग, यानी कि फेलम किसका बनाता है? मृत कोशिकाओं का बना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 87, विच सेल ऑफ क्रिप्टस एंड ऑफ लिबर कोन सिक्रेटेड एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम, यानी कि लिबर कोन परगुइका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती हैं? लिबर कोन परगुहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर कमेंट करके बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पेनेथ सेल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, एडल्ट ह्यूमन आरबीसीएस आर इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर, यानी कि वयस्क मानव की आरबीसी केंद्र की होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस लक्षण की सबसे उचित व्याख्या करता है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा, जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए सी डी, ठीक है, यानी कि इन्हें प्रजनन की आवश्यकता नहीं होती, ये काई कोशिकाएं होती दोस्तों, ये काई कोशिकाएं नहीं होती, ठीक है, और ये उपापचय नहीं करती, सही है, और इनका समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीजन सेवन के लिए उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89, जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी कमेंट करके बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 90 कल और 90 आज आ जाएंगे, तो 180 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, यकृत निवाहिका सिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है, यानी कि द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लिवर फ्रोम। तो कहाँ से आता है दोस्तों? यकृत निवाहिका सिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, इंटेस्टाइन, यानी कि आंत्र से आता है, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोगों से आया था? डीएनए फाइनल प्रूफ ऑफ द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं दोस्तों, वैसे 10:25 के आसपास टाइम हो गया है अब। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, हर्से एंड चेस के प्रयोगों से आया था डीएनए का अंतिम प्रमाण, ठीक है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण हर्से और चेस के परमाणु प्रयोगों से आया था, ठीक है दोस्तों। सभी कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपके लिए ये एमसीक्यू कितने हेल्पफुल रहे, और इनको एक बार और क्लास को देख लेना आप दोस्तों, एक बार और इस वीडियो को देखना, जिससे आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे और आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इनको गलत नहीं कर पाओगे, बिल्कुल राइट करके आओगे, ठीक है। एक बार और क्लास को देखना, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल जब भी टाइम मिले, आपको फ्री टाइम मिले, तब आप इस क्लास को चलाकर जरूर देखना, डबल स्पीड करके देख लेना, आपको एक बार रिपीट हो जाएगा, आपको रिविजन करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। कल वाली क्लास को भी देख लेना, जो देखना चाहे एक बार फिर से स्पीड डबल करके देख लेना, क्योंकि वहाँ स्पीड डबल का ऑप्शन आता है यूट्यूब, तो स्पीड डबल करके देख लेना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल सुबह वाले बायोलॉजी की स्पेशल क्लास में। गुड नाइट एवरीवन, ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।